नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था उसमें हमारे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि जो लॉस परसेंटेज है वो डिक्रीज हुआ है। लॉस मेकिंग सरकारी कंपनियों में सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो BSNL का है। कुल मिला के 7453 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर BSNL। और इसी घाटे से निकालने के लिए और एक नई लाइफलाइन देने के लिए BSNL को हमारे यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो BSNL है इसको 1.64 लाख करोड़ का एक रिवाइवल पैकेज दिया जाएगा। इस 1.64 लाख के रिवाइवल पैकेज के अंदर में 43,964 करोड़ रुपए जो है वो कैश दिए जाएंगे, जबकि 1.2 लाख करोड़ का नॉन कैश कॉम्पोनेंट भी दिया जाएगा। आप उसमें मान सकते हो कि जैसे 4G स्पेक्ट्रम फ्री में दे दिया जाएगा। अभी डिसाइड हो रहा है कि लगभग 44,993 करोड़ रुपए का 4G स्पेक्ट्रम जो है BSNL को फ्री दिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट।